हेलो फ्रेंड्स, हमारा मतलब ना आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और देखिए, ये पहले मैं दिखा रहा हूँ कि बैगन की खेती मैंने अपने जो है कि बैगन की खेती की है। और ये खेती मैं जो है कि इस तरह के पॉट्स में, इस तरह के गमलों में मैंने किया है, आप देख सकते हैं। और ये सारे में फल आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। देखिए, ये सारे में फल आए हुए हैं और मैंने काफ़ी फल इसमें से तोड़ लिया है अभी। और काफ़ी जो है कि ये फल जो है कि अभी आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। इधर तक जो है कि ये सारे बैगन्स में फल आ रहे हैं। और ये भी है, अभी देख सकते हैं इधर भी। ये आप देख सकते हैं कि बैगन है ये। ये काफ़ी जो है कि इसमें ये फल हैं। और इसी तरह से ये ढेर सारे, मैं नीचे तक आने की कोशिश कर रहा हूँ। और देखिए, ये आप देख सकते हैं कि इसमें कितने सारे बड़े बड़े बैगन्स आप देख सकते हैं। ये देखिए बैगन इतना बड़ा, ये बैगन देख सकते हैं आप। आगे भी जो है कि आप देख सकते हैं ये। और फिर ये भी सारा बैगन, ये काफ़ी बैगन जो है कि ये इसमें फल लिए हुए बैगन्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, दिखाई दे रहा होगा। इधर देख सकते हैं आप लोग कि नीचे यहाँ तक जो है कि ये सारे बैगन्स के फल हैं। ये मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जितने भी फल दिखाई दे रहे हैं ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक हैं। और मैंने इस बैगन की खेती के लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक टिप्स देना चाहूँगा। यही है कि मैंने इसमें क्या किया कि खेत की मिट्टी ली और मिट्टी के साथ हमने इसमें रेत, जो कहते हैं हम लोग सफ़ेद बालू, उसको मैंने मिक्सअप किया ताकि मिट्टी जो है कि इसकी जो है कि दोमट बनी रहे। और उस दोमट मिट्टी के कारण से जो है कि पानी उस हिसाब से उसमें एब्जॉर्ब हो सके। और फिर मैंने इसमें मिलाया गोबर की खाद। गोबर की खाद डालने से इसमें जो है कि मिट्टी के अंदर पानी को होल्ड कर करके और मैंने पोरस बनाता है, वो मैंने छिद्र उसके अंदर हो जाता है, पोरस हो जाता है, जिससे कि उसकी जड़ों तक पानी जाती है या कोई भी हम खाद देते हैं तो वो उसके जड़ों तक जाता है और उसको पर्याप्त मात्रा में मिलता है। आगे मैं बताना चाहूँगा कि जब ये पौधे मैंने लगाए इसमें, इसके बाद मैं समय समय पर लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करता हूँ, जो मेरे घरों में जो है कि तैयार होती है। लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि जितने भी छिलके होते हैं हमारे घर के सब्जियों के, मैं सबसे बार बार मैं अपने हर वीडियो में यही बात कहता हूँ, उसमें जो भी सब्जियों के छिलके निकलें, खास कर केले का छिलका या किसी भी चीज़ का छिलका जो आए, फलों के छिलके, यहाँ तक मूँगफली के छिलकों को भी मैं रख लेता हूँ। और उसको रखने के बाद फिर मैं उसको क्या करता हूँ कि उसको भिगोता हूँ पानी में, और पानी भिगो करके 5-7 दिन के बाद उसको छान लेता हूँ। वो जो लिक्विड उसका मिलता है, उस लिक्विड में हर प्रकार के मैग्नीशियम सल्फेट फास्फेट से लेकर सारी चीज़ें उसमें होती हैं, आयरन होता है, वो सारा जब मैं उस लिक्विड को इस पानी में मिला करके और डालता हूँ तो उससे जो है कि जर्मिनेशन बहुत तेज़ गति से होता है। जो आप देख सकते हैं कि इतना सारा जो है कि ये बना हुआ है बैगन या किसी भी चीज़ का, आप देख सकते हैं ये सारे फल जो कि लगे हुए हैं ये सारा उसी का है। और मैं खास करके बताना चाहता हूँ कि आप इजी गोइंग इस सब चीज़ों की खेती आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा एक विल पावर होना चाहिए, थोड़ा इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पास इस तरह के सब्जियाँ आप घर पर ऑर्गेनिक प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें किसी प्रकार की कोई वो ऐसी चीज़ नहीं होगी और उससे आप अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू मेरे दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए कि अधिक से अधिक, और ताकि कभी भी मैं कोई इस तरह की वीडियो बनाऊँ तो आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू वेरी मच।